यहाँ हायरिंग भी हो रही है इमिग्रेशन के ऑफिस में, नौकरी भी करनी है तो यहाँ कर सकते हैं। 15 फ्लोर पर है नीचे देख। हाँ, सोशल सिक्योरिटी ऑनलाइन अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, चलो सर। अस्सलाम वालेकुम, ये यूनाइटेड स्टेट का इमिग्रेशन और उसका दफ्तर है, यहाँ पे USCIS का दफ्तर है न्यू जर्सी न्यू वर्क में। तो आज हमारा नेचुरलाइजेशन का टेस्ट था, इंटरव्यू था, तो देने आए थे और अल्लाह के फजल से कामयाबी भी हासिल हो गई। टेस्ट क्लियर कर दिया है न्यू नेचुरलाइजेशन का। अब इसमें हम इसमें पासपोर्ट भी बन जाएगा और सर्टिफिकेट मिल गया है हमें यहाँ से। 100 सवालत की एक बुक दी जाती है, इसमें से जवाब बात भी इसमें होते हैं जो याद करने होते हैं। 100 में से 10 सवाल ये कोई भी पूछते हैं, उसमें 6 जो है वो जवाब सही होने चाहिए। जब ये हो जाता है तो फिर ये इसमें पास हो जाते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से ये पास हो गया, क्योंकि बाकी तो मेरी फैमिली को सबको मिल गया है। क्योंकि मैं लेट इसलिए हुआ कि मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ आया US में, और इसके बाद जो मैंने रिक्वायर्ड जो डेज होते हैं यहाँ पे वो कंप्लीट किए हैं, क्योंकि करने पड़ते हैं रहने के लिए। 1000 डेज जो है वो परमानेंट यहाँ कंटिन्यूस रहने पड़ते हैं नेचुरलाइजेशन टेस्ट के। तो ये मेरे कंप्लीट हुए तो फिर मैंने अप्लाई किया था इसमें। मेरी मिसेज भी साथ है और अल्लाह का बड़ा करम है, ये हमने क्लियर कर लिया। बुध का दिन है और 15 नवंबर है 2023 में, तो ये सर्टिफिकेट हमने ले लिया है अल्लाह के फजल करम से। ये न्यू जर्सी का मैंने थाने समझ लें, यहाँ गवर्नमेंट के ऑफिस हैं। ये USCIS जो है यूनाइटेड स्टेट का इमिग्रेशन और सिटीजनशिप का ये ऑफिस है पूरा। तो ये यहाँ पे हुआ है, तो ये अभी हमारा इंटरव्यू मेरा जो कि अल्लाह की फजल से पास हो गया हूँ। अब चूंकि घर की तरफ रवाना हो रहा हूँ मैं, बड़ा अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और तकरीबन 3-3.25 बजे दोपहर के। अस्सलाम वालेकुम, नेचुरलाइजेशन टेस्ट पास करने के बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है और अपना पासपोर्ट यहाँ का USA का बनाना है। वहां से आपको ये एक सर्टिफिकेट मिलती है नेचुरलाइजेशन टेस्ट पास करने के बाद, वो सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे। पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर हर टाउन में मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ ये फैसिलिटी भी यहाँ दस्तियाब है कि आप यहाँ पोस्ट ऑफिस में भी जाके पासपोर्ट बनवा सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस में जाके पेमेंट करें और पासपोर्ट यहाँ का अमेरिकन बना सकते हैं आप। ये घर से कुछ ही फासले पर मेरा ये मेन बाजार है, वहां पे पासपोर्ट ऑफिस मौजूद है, पोस्ट ऑफिस मौजूद है। तो मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ और कुछ मालूमात भी हासिल कर रहा हूँ कि अर्जेंट के क्या है और रेगुलर के क्या है और क्या पेमेंट देनी है, कितना अरसा के बाद मिलेगा। ये चीज़ें मैंने कहा मालूम कर लूं और उसके बाद फौरन यहाँ का पासपोर्ट के लिए मैं अप्लाई करता हूँ और फिर बन जाएगा यहाँ का अमेरिकन पासपोर्ट। तो चलें, ये सामने ही है, देखें ये जो नज़र आ रही है
जो मेन मार्केट है ये बोनटोन की, तो मेरे लेफ्ट साइड पे ये पोस्ट ऑफिस का ऑफिस है, यहाँ पे चलते हैं फिर वहां पे चले। ये बैक साइड पे पोस्ट ऑफिस है मेरे, यहाँ मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है और ली है इनसे पासपोर्ट बनाने की, तो मैं वो सब तैयारी करके इंशाल्लाह पासपोर्ट बनाता हूँ मैं। ये हमारा मेन स्ट्रीट है यहाँ बोनटोन की, मेन रोड है ये वाला बोनटोन का, और अंदर की आगे जाके ये फर्स्ट स्ट्रीट आएगी उसमें हमारी रिहाइश है वहाँ पे। ये देखिए बड़ा खूबसूरत टाउन है ये, बड़ा अच्छा स्लोगन है हमारे इस टाउन का लिखा हुआ होता है कई जगह पे, स्मॉल टाउन बिग हार्ट, छोटा टाउन है मगर दिल बड़े हैं। बिल्कुल सही कहा, माशाल्लाह अपने यहाँ देसी पाकिस्तानी बहुत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और वाकई सबके दिल बड़े हैं, अच्छे लोग हैं सब, माशाल्लाह कोऑपरेटिव है सब बहुत ज्यादा। कभी कभार ये कॉफी हाउस जो देख रहे हैं इसमें भी कॉफी पीने के लिए आ जाता हूँ मैं, बड़ी अच्छी कॉफी मिलती है यहाँ पर। बोनटोन नेशनल बैंक है ये सामने देखिए, हेरिटेज टाइप की बिल्डिंग है ये। ये देखिए ट्विटर पे लिखा है स्मॉल टाउन बिग हार्ट, और इसके साथ साथ ये फ्री लाइब्रेरी है यहाँ पे, बोनटोन लाइब्रेरी फ्री, आप फ्री स्टडी कर सकते हैं, दुनिया भर की बुक्स वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे। और इसी स्ट्रीट पे कोने पे रिहाइश है हमारी, देखिए कितनी खूबसूरत, यहाँ बैठ के आप धूप को भी एंजॉय करें, देखें सन को, और स्टडी करें अंदर से बुक्स लेके, क्योंकि थोड़ी सर्दी है तो ज्यादातर लोग अंदर ही हैं लाइब्रेरी में। किसी फैमिली ने ये पूरी जगह डोनेट की है लाइब्रेरी के लिए, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ अमेरिका में जो फैमिली आती है उनके साथ जो उनके सीनियर्स होते हैं, माँ बाप, वालदेन, नाना नानी, दादा दादी और बड़े सास ससुर जो भी हैं, जो पाकिस्तान से पहली बार अमेरिका में आते हैं और जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है इंग्लिश को समझने की बोलने की, तो उनके लिए मैंने ये एक वीडियो बनाऊंगा जो दो तीन किस्तों पर होगी, जिसमें तरीका बताऊंगा कि उर्दू जबान में और हिंदी जबान में कि नेचुरलाइजेशन टेस्ट USCIS से किस तरह पास करते हैं। एक किताब दी जाती है जिसमें 100 सवाल होते हैं, 100 सवाल में से
10 पूछते हैं, वो लोग पूछिए के जवाब देने होते हैं। अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप फिर पासपोर्ट बना सकते हैं और सिटीजनशिप दे सकते हैं आप। तो उसकी गाइडेंस के लिए, हेल्प के लिए मैं उर्दू में और हिंदी में कुछ वीडियोस बनाऊंगा, जो सवाल जो है जो इंग्लिश में है वो उर्दू में समझाऊंगा, बताऊंगा, वो गाइडेंस के लिए। सब जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सिर्फ गाइड करने के लिए होगा और आपकी हेल्प करने के लिए होगा। इसके बाद अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मेमनी में और गुजराती में भी उसको बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ अमेरिका में अक्सरियत है इनकी, बहुत ज़्यादा तादाद में है यहाँ पे, ताकि वो लोग जो घरों में रहते हैं और इनका ज़्यादा बाहर निकलना नहीं होता, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो सीनियर्स कुछ चीज़ों में एग्जाम भी होते हैं, उसकी तफसीलात मैं अलग बताऊंगा कि उनको 20 साल यहाँ होना चाहिए रहना, 15 साल होना चाहिए, 65 होना चाहिए, वो एक अलग डिटेल है, उसको मैं दूसरी वीडियो में समझाऊंगा, वरना कन्फ्यूजन होगी। जनरल जो यहाँ पे 95-96% इम्तिहान देते हैं और जिससे पास होते हैं, उसकी वीडियो बना के मैं आपको पेश करूंगा आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, ये सामने बस मेरा घर आ गया है, फिर मिलते हैं। ये रिहाइश है हमारी, फिर आपसे तफसीली बात करेंगे। घर पे ही है माशाल्लाह। चलिए।